नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भोजपुर की आवाज। साथियों, बीते एक वर्ष में भोजपुर की आवाज न्यूज चैनल ने आपकी प्रेम, स्नेह और ऊर्जा से एक नया मुकाम हासिल किया है। बीते एक वर्ष में चैनल ने जहां मोनेटाइजेशन हासिल किया है, वहीं लगातार सब्सक्राइबरों की संख्या भी हमारे साथ जुड़ती जा रही है। हमारा प्रयास रहता है क्षेत्र की सटीक, निष्पक्ष और त्वरित खबरें चैनल के माध्यम से आपको प्रसारित की जाएं, और निश्चित ही आपके सहयोग से हम अब तक इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। बीता एक वर्ष कोविड महामारी के चलते आप और हम सभी के लिए पीड़ादायक रहा है। इस दौरान क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की जो कोरोना की स्थिति थी, प्रतिदिन कोरोना बुलेटिन के नाम से हमने चैनल पर प्रसारित की और आपका इंतज़ार निश्चित ही बताता था कि हम अपने प्रयास में कितने कारगर साबित हो रहे हैं। अभी भी हमारा प्रयास है कि कोविड को लेकर जो देश में और मध्य प्रदेश में और क्षेत्र की जो स्थिति है, हम उससे आपको रूबरू कराते जाएं। कल होली का पर्व है, रंगों का पर्व है और आपसी भाईचारे का पर्व है, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये पर्व हम बेहद सादगी, शांति और अपने घरों में सीमित रहकर ही मनाएंगे। निश्चित ही इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और हमारा शहर और प्रदेश और देश सुरक्षित रहेगा। मास्क हमारी सुरक्षा का सबसे अचूक हथियार है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अलग अलग माध्यमों से लोगों से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क ही मेरी सुरक्षा है। निश्चित ही मित्रों, मास्क हमें इस कोविड महामारी से बचाने में अचूक हथियार के रूप में अभी तक सामने आया है। हम ये भी मानते हैं कि सरकार के प्रयासों से, हमारे वैज्ञानिकों की खोज से कोविड की जो वैक्सीन तैयार हुई है वो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन हम ये मान लें कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें कोरोना महामारी नहीं होगी, ये हमारी भूल साबित हो सकती है। तो जो वैक्सीनेशन के दायरे में आ रहे हैं, जो 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं, हम अपनी प्राथमिकता के आधार पर उनका पंजीयन कराकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो वैक्सीनेशन सेंटर सरकार ने बनाए हैं उनको वैक्सीन लगवाएं। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के जो साथी हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा से लगाई जानी है, तो वो भी हम प्राथमिकता के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, सगे संबंधियों में, हम उनको निःशुल्क ये जानकारी दें और उनका मार्गदर्शन करें कि वैक्सीन लगवाएं। निश्चित ही इससे बचाव होगा, कोरोना से बचाव होगा और वैक्सीन हम सभी के लिए कारगर भी साबित होगी, लेकिन इसके साथ ही हम भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ऐसी दुकानों से सामान बिल्कुल ना खरीदें जहां कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होता हो। आप एक बार उस दुकानदार को भी समझाइए कि भैया आप कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, इससे आपका शहर, आपकी दुकान और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मेरी होली मेरे घर। नमस्कार, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।